ये देखो आदि की माला रेडी हो गई है। एक बार पहनने दो। सुबह पहनना ना। ठीक है। काले कलर की माला खा ले। रख दो उसके लिए सब कुछ रख दो वहाँ पे। रख दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल creativity.com। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी घुघुती मेरे सारे पहाड़ी दोस्तों को और परिवार वालों को। और आज घुघुती का त्यौहार होता है हमारे वहाँ पहाड़ी कुमाऊनियों में, और हमने घुघुती सेलिब्रेट करी है, छोटा मोटा हमने बनाया है। तो वो उस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा हम लोग घुघुती का त्यौहार कैसे मनाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम घुघुती के लिए आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैं इसमें आटा, थोड़ी सी सूजी, थोड़ा घी इसे अच्छे से मसल लूँगी, और उसके बाद इसमें मैं इसे गुड़ के पानी के साथ गूंथ के इसका बढ़िया सा एक डो रेडी कर लूँगी और फिर उससे घुघुती बनाऊँगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घुघुती जो है वो उत्तराखंड में कुमाऊँ का एक बहुत ही अच्छा पर्व है, जिसको बहुत टाइम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक राजा के बेटा था, उसका नाम घुघुती था, और जब वो खो जाता है एक बार और उसके बाद जब कौवे की मदद से वो मिल जाता है, तो जो रानी माँ होती है वो खूब सारे पकवान बनाती है और फिर कहती है कि अपने कौवे दोस्तों को बुलाओ और उसे खिलाओ। और फिर जब ये बात पूरे कुमाऊँ में फैलती है तो कुमाऊँ में हर घर में भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो इसी तरह से देखिए, ये मैंने गुड़ का पानी रेडी कर लिया है और इससे मैं इसका एक बढ़िया सा डो रेडी कर लूँगी। ये देखिए, धीरे धीरे गूंदना है इसको। तो घुघुती एक बहुत अच्छा पर्व के साथ साथ बहुत ही, मतलब बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें जो ये घुघुते और खजूरे बनते हैं बच्चों को खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे हो बड़े हो सबको बहुत पसंद आते हैं। देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। और उत्तराखंड में यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कुत्रैनी मेला भी लगता है, जैसे कि अल्मोड़ा में लगता है, बहुत सारी जगह लगने लग गया। अब तो गाँवों में बहुत जगह जगह लोग उत्तराणी मेला लगाने लग गए हैं, जहाँ पे गीत संगीत पिछौड़ा पहन के उत्तराखंड की जो भी संस्कृति है उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ मम्मा बनाने लग गई है हमारे लिए घुघुते। देखिए इस बार मम्मी आई हुई है यहाँ पे, तो हमारे लिए वही बना रही है। और देखिए इस तरह से घुघुते बनाए जाते हैं, कुछ घुघुत यानी कि पक्षी की शेप में ही बनाए जाते हैं इनको, और मीठे होते हैं ये, बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। तो पहले हम इनको बना लेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो घुघुतों के साथ साथ थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन किया गया है हम बच्चों के लिए, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव लगे तो जलेबी की शेप में बना लेते हैं कुछ, है ना। ये देखिए मैंने एक जलेबी बना के रेडी कर ली है, क्योंकि हम अब इस घुघुतों की माला बनाएंगे। तो और ये देखिए डमरू बना लिए हैं, ऐसे बहुत सारी जो शेप्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए और हमारे पहाड़ों में जो फेमस है उनको बना लेते हैं। तो हमारे घुघुत देखिए रेडी हो गए हैं बिल्कुल फ्राई करने के लिए। और इसी के साथ हमने बाकी चीज़ें भी बनाई हैं, जैसे डमरू, जलेबी, दाड़िम का फूल, तलवार, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो घुघुती का जो त्यौहार है ये उत्तराखंड में कुमाऊँ में ज़्यादातर मनाया जाता है, और मकर संक्रांति में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति में हमारे वहाँ इसी की से मकर संक्रांति मनाई जाती है, और कौवे को बुलाया जाता है और ये घुघुती बना के खिलाई जाती है। तो सब अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ फटाफट से, और अब हमारा त्यौहार बनेगा। ज़्यादातर तो लोग इसमें बेड़ू पूरी यानी कि मांस की पूरी बनाते हैं, पर हमारे वहाँ भी कुछ रीज़न की वजह से मैंने वो तो नहीं बनाया, लेकिन नॉर्मल पूरी बनाई है और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। हमने बहुत ज़्यादा पकवान नहीं बनाए हैं, क्योंकि अभी कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं घर में, और इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया, थोड़ा बहुत जो भी हम बना सकते थे। ये देखिए बढ़िया सी मेरी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी हो रही है। और इसके साथ पूरी खाने का तो अपना ही मज़ा है। मैंने दोनों तरह की पूरी बनाई है, मडवे की पूरी भी बनाई है और नॉर्मल आटे की पूरी तो बनानी ही होती है। और उसके अलावा हमने खीर बना ली थी पहले ही, जिसे हम पहले ही खा चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे वहाँ कौवे के लिए निकाला जाता है, तो मैं उसके लिए पूरी निकाल रही हूँ, थोड़ी सब्जी निकाल रही हूँ, और उसके बाद उसके लिए हमें घुघुत भी रखने हैं जो हम कौवे को खिलाएंगे। तो ये हमने उसके लिए रख दिया है। अभी ये सब निकालने के बाद हम फिर खा सकते हैं, उसके लिए अगर अलग से निकाल दिया है तो आप उसके बाद खा सकते हो, मतलब पहला पहले उसके लिए निकाल देना है। तो यहाँ पर बन रही है देखिए घुघुत माला की माला। कौन बना रहा है? नानी बना रही है। काले कौवे को खिलाओगे? हाँ। ये देखो फटाफट माला बन रही है। मम्मा,
बहुत है। और मम्मा मैं तो काले कौवे को काले कौवा काले कुकड़ी माला अब मैं फिर अपने काले कौवे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, हैंडवॉश करूंगा, फिर कपड़े चेंज करके पार्क जाऊंगा, घर आऊंगा, खाना खाऊंगा। ये देखो आदि की माला रेडी हो गई है, सुबह पहनना ना। ठीक है दिखाओ, ये देखो काले कौवा काले कुकड़ी माला काले। तू मेरो बड़ोली जाले, मैं सोनू के घोड़ दी जाले। तो सुबह उठ के सब लोग हो गए रेडी, और सबसे पहले तनुज पूजा कर रहे हैं, है ना, नहा धो के आज रेडी हो गए हैं सब लोग। मकर संक्रांत है, सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और अब हमने पूजा पाठ वगैरह करने के बाद हम एक दूसरे को सब मतलब तो पूजा तनुज ने की है, तो पिठिया भी वही लगा रहे हैं सबको, है ना, टीका वगैरह लगा रहे हैं। क्योंकि कोई भी शुभ काम हो, कोई व्रत हो, कोई भी अच्छा दिन हो, कोई त्यौहार हो, तो हमारे वहाँ सबसे पहले नहा धो के पिठिया ही लगाया जाता है, यानी कि टीका चंदन किया जाता है। और अब टीका चंदन हो चुका है, तो सब लोग अब हम काले कौवा को बुलाते हैं। ये क्या है? ये मेरी माला है। हाँ। ये मेरा तलवार टूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौवा काले घुगती माला काले, तू मेरो बड़ोली जाले, मैं सोनू के घोड़ दी जाले। अच्छा है ना, चलो अब काले कौवा को भी बुलाते हैं। मैं काले कौवा का लेके आती हूँ। कालू की कौवा की प्लेट उसको सब है उसके लिए। चलो काले 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 कौवा काले घुगती माला खाले। चलो ऊपर को रखो, काले कौवा आजा। अच्छे से बोल, काले कौवा काले घुगती माला खाले। काले कौवा आजा, घुगती पकड़ के काले 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 ऊपर ऊपर करो, ऊपर करो। काले कौवा आजा कुकड़ी माला, काले कौवा आजा कुकड़ी माला खाले। रख दो उसके लिए सब कुछ, रख दो वहाँ पे, रख दो। बाय काले कौवा को बोलो, काले कौवा आके खा ले। काले कौवा काले कौवा आजा आजा वीक। चलो अब फोटो खींचेंगे। ओके नानी भी, नानी को भी बैठाओ, नानी को बैठो, अब जोर से बोलो सब लोग, हैप्पी घुगुती हैप्पी घुगुती हैप्पी घुगुती। ये असली छोटा पहाड़ी, आदि पहाड़ी। काले कौवा काले घुगती माला खाले, काले कौवा काले कौवा काले 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 घुगती माला खाले खाले खाले। तो घर पे घुगुती सेलिब्रेट करने के बाद हमेशा की तरह हम मंदिर गए, अपने स्टेशन के अंदर मंदिर ही गए, और वहाँ पे जाके हमने अपनी पूजा वगैरह करी, क्योंकि मंदिर जाना तो बनता ही है। तो एज यूजल हमेशा की तरह तनुज ही सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उन्होंने ही दिया बत्ती वगैरह करी, और थोड़ा बड़ा थोड़ा बहुत जो बचा कुचा था वो हमारे छोटे पंडित जी ने किया। घंटी बजा।
सो फ्रेंड्स, ये था आज का घुघुती स्पेशल व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।